नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। अजमेर 92 इस मूवी के रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। कुछ लोग इसे प्रोपेगेंडा बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कई तरीके से पॉलिटिकल एंगल दे रहे हैं। कुछ लोग तो इसे आने वाले 2024 के लोकसभा इलेक्शन से भी जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है ताकि फिल्म को बैन किया जा सके। इस फिल्म में कांग्रेस सरकार को लेकर कई खुलासे या ये कहें कि कांग्रेस की काली करतूतों पर से पर्दा हटाया गया है, जिससे आने वाले इलेक्शन में पर मुसीबत के बादल मंडरा सकते हैं। इससे विपक्ष को काफी फायदा होगा। पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आखिर क्या है इस मूवी में जिसको लेकर लोगों में इतनी बहस छिड़ी ही है, लेकिन राजनीति में इसमें शामिल है। क्या है कांग्रेस का इस मूवी के साथ कनेक्शन, क्या सच है और क्या झूठ है? बता दें, बात साल 1992 की है। जगह राजस्थान का अजमेर, जहां चिश्ती परिवार के तीन लोगों ने एक घिनौने अपराध को अंजाम दिया। ये परिवार दरगाह की रख रखाव करता था और आज भी उस परिवार के लोग उस दरगाह की देखभाल करते हैं। इस परिवार के तीन सदस्य, जिनका नाम फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती था, इन तीन मुख्य आरोपियों ने मिलकर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत को अंजाम दिया। इन तीनों ने 100 से ज्यादा लड़कियों का रेप कर उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था, लेकिन अपने पॉलिटिकल पद और पावर की वजह से तीनों बच निकले। आपको बता दें, फारूक चिश्ती, नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती इस कांड के मुख्य आरोपित थे और तीनों ही यूथ कांग्रेस के लीडर थे। फारूक उस समय इंडियन यूथ कांग्रेस की अजमेर यूनिट का अध्यक्ष था, नफीस चिश्ती कांग्रेस की अजमेर यूनिट का उपाध्यक्ष था, अनवर चिश्ती अजमेर में पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। साथ ही तीनों अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के खादिम भी थे। इस तरह से उनके पास राजनीतिक और मजहबी दोनों ही ताकत थी। आपको बता दें कि उस वक्त ना डिजिटल प्लेटफॉर्म थे और ना ही किसी भी तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी और ना ही सच को दिखाने की शायद ही किसी में हिम्मत थी। यही वजह है कि अब तक ऐसे मुद्दों को उठाकर फिल्में बनाते हैं तो विवाद अक्सर देखने को मिलता है। अजमेर सेक्स कांड पर लिखने वाले पत्रकार की अस्पताल में घुसकर हत्या हुई, फिर देखें कैसे उनके बेटों ने लिया बदला। बता दें कि 4 सितंबर 1992 में इस स्कैंडल पर लिखने वाले पत्रकार की हत्या कर दी गई थी। पत्रकार का नाम मदन सिंह था। मदन सिंह पर पहले सड़क पर हमला हुआ, इसमें वो अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन इसके बाद अस्पताल में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह हत्याकांड इसी साल जनवरी में भी चर्चा में आया था। 7 जनवरी 2023 को पुष्कर के बांसेली गांव स्थित एक रिसोर्ट में एक हिस्ट्री शीटर को गोलियों से भून दिया गया था। इस घटना के आरोपित सूर्य प्रताप सिंह और धर्म प्रताप सिंह हैं, दोनों उसी पत्रकार मदन सिंह के बेटे हैं। हिस्ट्री शीटर को मार गिराने के बाद कथित तौर पर इन्होंने मौके पर पिता का बदला लेने की बात चिल्लाकर कही भी थी। आपको बता दें कि मदन सिंह स्कूटर में पेट्रोल भरवाने के लिए घर से निकले थे, तब रास्ते में एम्बेसडर में सवार लोगों ने उन पर फायरिंग की थी। वह गंभीर रूप से घायल हो गए और पास के एक नाले में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। इसके बाद उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल में भर्ती कराया गया, वो वहां बच गए, लेकिन 11 सितंबर को अस्पताल के वार्ड में कुछ लोगों ने घुसकर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। बता दें कि मदन सिंह की मां के बयान के आधार पर कांग्रेस के पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल, सवाई सिंह, नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन साल 2012 में अदालत ने सभी को बरी कर दिया गया था। 90 के दशक के अजमेर की हालात की बात करें तो पत्रकार संतोष गुप्ता अपने दफ्तर में बैठे रहते थे, वहां लोगों का आना जाना लगा रहता था, जो अचानक से बढ़ गया। उस वक्त हालात ऐसे थे कि लोग लड़की की तस्वीर लेकर आते और पूछते कि क्या ये वही लड़की है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि जिनकी शादी होने वाली होती थी वो पहले से ही इस बात की पुष्टि करना चाहते थे कि कहीं उनकी होने वाली पत्नी बलात्कार का तो शिकार नहीं हुई। इस कहानी में अजमेर है, चिश्ती है, रेप है और ब्लैकमेलिंग है। 28 साल से चल रहे इस केस में कई पीड़िताएं अपने बयानों से भी मुकर गई हैं। कईयों की शादी हो गई है तो कईयों के बच्चे भी हो गए हैं। 30 साल में आखिर क्या नहीं बदल जाता। हमारी सामाजिक संरचना को देखते हुए शायद ही ऐसा कहीं होता है कि कोई महिला अपने बेटे और गोद में पोते को रखकर 30 साल पहले खुद पर हुए इस तरीके के जुल्म की लड़ाई लड़ने के लिए अदालतों का चक्कर लगाए। शायद उन महिलाओं ने भी इस जुल्म को भूत मानकर नियति के आगोश में जाकर अपनी जिंदगी को जीना सीख लिया है और उनमें से अधिकतर अपने हंसते खेलते परिवारों के बीच 30 साल पुरानी दास्ता को याद भी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि देश का कानून अब भी देरी करता है और कभी तो इंसाफ की राह देखते देखते उम्र भी निकल जाती है, जैसा कि इन लड़कियों के साथ हुआ। लेकिन उम्मीद है कि देश के ऐसे कानून में तेजी जरूर लाई जाएगी। खैर, आगे आपको बता दें कि 18 आरोपितों में से एक ने आत्महत्या कर ली। फारूक चिश्ती तब यूथ कांग्रेस का नेता हुआ करता था, जिसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि सुनवाई नहीं हुई, सेशन
सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में 8 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा तो सुनाई, लेकिन इसके 3 सालों बाद 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने इनमें से 4 को बरी कर दिया। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने मोइजुल्ला उर्फ पट्टन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमशुद्दीन उर्फ मैराडोना की सजा ही कम कर डाली। इन सबको मात्र 10 वर्षों का कारावास मिला। इनमें से 6 के खिलाफ अभी भी मामला चल रहा है। सुहेल चिश्ती 2018 में शिकंजे में आया था। एक आरोपित अलमास महाराज फरार है, जिसके खिलाफ सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस तक जारी कर रखी है, लेकिन लोगों का मानना है कि वो अभी भी अमेरिका में हो सकता है। इसके बाद 2007 में मानसिक विक्षिप्त घोषित आरोपित फारूक चिश्ती को अजमेर की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने दोषी मानकर सजा तो सुनाई और राजस्थान हाईकोर्ट ने इस निर्णय को बरकरार भी रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने उसके द्वारा तब तक जेल में बिताई गई अवधि को ही सजा मान लिया। चिश्तियों में अभी सिर्फ सलीम और सुहेल ही जेल में हैं। इस मामले में 200 से अधिक पीड़िताएं हैं, लेकिन कुछ ने ही बयान दिया। अफसोस, इनमें से शायद ही कोई अपने बयान पर कायम रही हूं। इस केस पर बाद में टीवी मीडिया पर शो से लेकर किताबें तक लिखी गई, लेकिन एक चीज जो आज तक नहीं दिखा वो है न्याय। अगर उस समय पुलिस ने इस केस में आरोपितों पर शिकंजा कसा होता तो शायद उन्हें फांसी की सजा भी मिल सकती थी। एक और चीज गौर करने लायक है, उस समय पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। पूरे 5 सालों तक उन्होंने सरकार और संगठन को चलाया था। फारूक चिश्ती इंडियन यूथ कांग्रेस के अजमेर यूनिट का अध्यक्ष था। नफीस चिश्ती कांग्रेस के अजमेर यूनिट का उपाध्यक्ष था। अनवर चिश्ती अजमेर में पार्टी का ज्वाइंट सेक्रेटरी था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि शक्तिशाली कांग्रेस पार्टी, उसकी तुष्टिकरण और नीति और आरोपितों का सामाजिक व वित्तीय प्रभाव, इन सब ने मिलकर न्याय की राह में रोड़े खड़े कर दिए थे। तो क्या यही कारण है कि दोषी अपनी जिंदगी बिना किसी खौफ के जीते हों और विक्टम्स अपनी जिंदगी घुट घुट कर जीते हैं? खैर, सवाल बहुत से हैं जिनका जवाब मिलना उतना ही मुश्किल है जितना न्याय मिलना। ऐसे में अजमेर सेक्स कांड पर रोक लगाने की मांग करने वाले क्या इन सवालों का जवाब दे पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।